और हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सियासी पारा बढ़ा हुआ है। पूरे देश भर में इस वक्त तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। एक और बीजेपी की बात करें तो तीसरी बार सरकार बनाने पर बीजेपी ने पूरा फोकस कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं कोशिशों में लगी है कि इस बार बीजेपी के सपने को साकार ना होने दिया जाए। दोनों ओर से खूब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज शिमला में भी सियासी पारा खूब बढ़ा, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई बड़े आरोप दाग दिए, सेना से लेकर गठबंधन तक और नेताओं की छवि को लेकर तमाम बड़ी बातें कांग्रेस नेता ने कही। सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, 31 जनवरी को कांग्रेस ने जय जवान मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के जरिए कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। कहीं ना कहीं बीजेपी पर कांग्रेस की ओर से अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सेना का विरोध, बीजेपी कहीं ना कहीं सेना और सैनिकों के साथ अन्याय कर रही है। यही नहीं, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र आता है वो भी गलत है। सैनिकों की शहादत पर केवल वोट लेने का काम बीजेपी ने किया है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जब वोट की बारी आती है तो सेना को, शहीद सैनिकों तक को बीजेपी इस्तेमाल करती है, लेकिन जब बात आती है उनके लिए योजनाएं लाने के लिए, उन्हें तमाम सुविधाएं देने की, तब बीजेपी मौन हो जाती है। आज चाहे सैनिकों की बात कर ले, चाहे पूर्व सैनिकों की बात कर ले, उनके कई मुद्दे अधर में अटके हुए हैं, मगर बीजेपी उन मसलों का हल नहीं कर रही है। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अग्निपथ योजना जो कि केंद्र लेकर आया, उस पर एक बड़े स्तर पर झूठ बोला गया और युवाओं का शोषण किया गया। महज 4 साल का रोजगार, उसके बाद तमाम वो युवा जो एक बार फिर से बेरोजगारी की दहलीज पर होंगे, वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन केंद्र ने सैनिकों के नाम पर, अग्निपथ योजना के नाम पर लगातार जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा है। ये कहना अभय दुबे का रहा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, और एक के बाद एक और भी कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। पहले सेना को लेकर क्या कुछ कहा है, क्यों बीजेपी को उन्होंने निशाने पर लिया है और यह आरोप जड़ा है कि अन्याय किया जा रहा है सैनिकों के साथ, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री किसको संभाल रहे हैं? आकंठ भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जिन पर वो आरोप लगाते थे उनको संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसको संभाला? जुलाई 2015 में जिसके खिलाफ असम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हेमंत बिस्वा सरमा लुई बर्जर केस का आरोपी, बुकलेट निकाली। अगस्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया और कहा दाग अच्छे हैं। फिर गए वेस्ट बंगाल, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ली भारतीय जनता पार्टी ने, उसको शामिल करा दिया, दाग अच्छे हैं। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिस पर कहते थे शारदा नारदा के, इसके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर अजीत पवार, जिस पर प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे, वो 70,000 करोड़ रुपए का आरोप का महत्व नहीं था, वो महत्व इस बात का था कि अजीत दादा पवार गए क्यों। इसलिए गए कि जुलाई 1 जुलाई 2021 को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार बैंक के स्कैम में शामिल हैं 826 करोड़ रुपए के, और उनकी 65 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। तब अजीत दादा पवार को श्रद्धा जाग गई प्रधानमंत्री जी के प्रति। हसन मुनशरीफ, तीन तीन रेड, चार चार रेड ईडी ने की, महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया। यह आरोप लगाया कि 40,000 किसानों का पैसा इसके बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया।
अदिति तटकर अजीत पवार के साथ जो उनके पिताजी थे उस पर गंभीर आरोप लगाते थे, उनकी बिटिया को मंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल, दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, चार फ्लोर उसकी जब्त किए बॉम्बे में, ऐसे ही नहीं आए प्रफुल्ल पटेल। भावना गवली, 5 ईडी के नोटिस, उसने कहा कि मैं ईडी के पास नहीं जाऊंगी, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी, भाजपा चली गई, ईडी के नोटिस बंद हो गए। प्रताप सरनाई, ईडी का ट्वीट देखिएगा कि कितनी संपत्ति उसकी जब्त की, शामिल हो गया, क्लोजर फाइल हो गया उसका। छगन भुजबल, फाइल घूम गई ईडी की साहब, ये जो अभी नोटिस दे रही ईडी जा रही ना, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल और सब जगह घूम रही है, वो ईडी इन सबके पाप पर पर्दा डाल चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री जी ने सारे, ये नीतीश कुमार, हमने तो कहा नहीं था, उनने कहा रद्दी रद्दी माल हो गया नीतीश बाबू, सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, तो रद्दी माल रद्दी की टोकरी में चला गया। देखिए, इसका अगर आपको पढ़ना हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य के भारत में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तब उसे प्राइमरीली मैंडेटरी मत करिएगा। उन्होंने कहा था कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस में उस समय सेक्रेटरी स्टेट होम को एक एफिडेविट देना होता था, जो इसके दायरे में से बाहर होना चाहता है वो सेक्रेटरी होम को शपथ पत्र दे और इसके दायरे से बाहर हो जाए। और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे कन्विंस कराकर हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मगर ये थोपा नहीं जाना चाहिए। इस पे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारे विषय सिर्फ चुनाव में, चुनाव को पोलराइज करने के लिए लाती है। देखिए, इसका अगर आपको पढ़ना हो तो बाबा साहब अंबेडकर ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इस पर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भविष्य के भारत में जब आप यूनिटी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के आज ये परिस्थितियां हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रधानमंत्री जो शर्मनाक तरीके से सैनिकों की शहादत के लिए वोट मांगते हैं, वो सैनिकों के हितों के को संरक्षित करने में, उनके हित पर सत्ता का आश्रय देने में ये सरकार बड़ी बेशर्मी से पीछे हट जाती है। आप याद कीजिए, जब अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लाई थी तो उन्होंने ये कहा था कि एक लंबे समय से भारत की सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही थी और इसको हमने आज लागू किया है। उन्होंने 2-3 दशकों का हवाला दिया था, जबकि ये सरासर झूठ परोसा गया। इस देश के सैनिकों के साथ अन्याय की कहानी एक झूठ की पृष्ठभूमि के साथ लिखी गई। आप याद कीजिए, आजाद भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने आप ही पत्रकार साथियों को दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि वे
चाहते हैं कि सैनिक और सेना के अधिकारी अपनी पूरी सेवा प्रदान करें। खासकर वो सैनिकों के लिए चिंतित थे, वो तो यह तक उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि 15-17 साल की सेवा के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है और फिर से वो कहीं अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो वो चाहते थे कि उन सैनिकों को और सेना के अधिकारियों को, बाकायदा एक नोट भी सर्कुलेट किया था जो सोशल मीडिया पर काफी उस समय वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने डिफेंस के ऑफिसर्स और सैनिकों की किस प्रकार आयु में उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाए। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर अभय दुबे का कहना रहा, एक के बाद एक कई मसलों पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है, फिर चाहे बात सेना और सैनिकों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उस मुद्दे की बात करें, यूसीसी की बात करें, या फिर यहाँ पर बात की जाए तमाम उन नेताओं को जिनकी छवि को पहले तो बीजेपी ने दागी बताया और फिर ईडी का, कांग्रेस का कहना है कि ईडी का डर दिखाकर फिर उन्हें चुनाव पास आते ही अपने साथ मिला लिया और फिर उनके दाग भी अच्छे हो गए। हालांकि जाहिर सी बात है कई बड़े आरोप लगाए हैं और इससे सियासी पारा आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन तमाम आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। और क्या लगता है लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे कितना तूल पकड़ेंगे, कितना और कांग्रेस इन मुद्दों के सहारे क्या 24 का चुनाव जीत पाएगी, जरूर राय दीजिएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।